नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विस्तार में देख रहे थे। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस आईएएस फिर चाहे पीसीएस इन सभी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस तरह के हम लोग टेस्ट अभी तक 40 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 41वां टेस्ट है, ठीक है। तो याद रखना, आपके जितने भी इस तरह के टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। वो है आपकी अपनी प्ले लिस्ट सूची जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से, ठीक है, जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से। तो चलिए 41वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भगवान महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह शाक्य वंश के थे, तो ये आपका गलत है। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थ कर थे, ये भी आपका गलत है। दोनों कथन आपके गलत हैं, क्योंकि जो महावीर जैन महावीर थे ये इक्ष्वाकु वंश के थे और महावीर जयंती वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, जबकि आपको पता होगा कि 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे। तो जैन महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो इसमें आपका होगा डी ऑप्शन, ना तो इसमें एक सही था और ना ही दूसरा। बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में। शनि के चंद्रमा टाइटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। यह सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, यह आपका गलत है। पृथ्वी के अलावा यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी सतह पर स्थिर तरल पदार्थ पाया जाता है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दूसरा कथन सही है और पहला कथन इसमें गलत है, क्योंकि टाइटन शनि के सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है और बृहस्पति के गैनीमेड के पास सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो इसका मतलब है कि बृहस्पति के गैनीमेड की सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। कैसिनी अंतरिक्ष यान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि शनि के चंद्रमा टाइटन में तरल मैथेन की झीलें हैं। इस खोज के साथ टाइटन हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह बन गया जिसकी सतह पर स्थिर तरल पदार्थ पाया गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका केवल दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वैद्य जन दिवस मनाया जाता है, सही है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिकों को के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है, ये आपका गलत है। इसमें केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। क्या है? भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वृद्धजनों के हितों के लिए नोडल मंत्रालय है। कौन सा? भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपके वृद्धजनों के हितों के लिए नोडल मंत्रालय है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका केवल पहला कथन सही था, दूसरा गलत था। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के। क्या है क्वेश्चन हमारा? ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक ऐसी विधि है
जिसमें दो अलग अलग पौधों के कटे हुए तने एक जड़ के साथ और दूसरे जड़ के बिना इस तरह से एक साथ जोड़े जाते हैं कि दोनों तने एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। सही है, यह पौधे की पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा उपयुक्त रूट स्टॉक्स के साथ मिट्टी जनित रोगों के प्रतिरोध को विकसित करता है। ये आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं पांचवे क्वेश्चन की। क्या है पांचवा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत का नकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन है? तो इसमें आपका चीन है, दक्षिण कोरिया भी है, फिर आपका यूएसए नहीं है, यूके भी नहीं है, और फिर सऊदी अरब है। चीन, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब। भारत के व्यापारिक भागीदारों में शीर्ष 5 देश जिनके साथ भारत का नकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन है, इसमें आपके चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और दक्षिण कोरिया है। शीर्ष 5 देश जिनके साथ भारत का अधिशेष व्यापार संतुलन है, वे संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, और बांग्लादेश, नेपाल और ब्रिटेन है। ठीक है, चीन के साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सी होगा, 1, 2, 5। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की चैंपियन सेक्टर के रूप में पहचान की गई है? जैव प्रौद्योगिकी, चमड़ा और जूता, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण। तो इन सभी की गई है। तो छठवें क्वेश्चन में आपके सभी हैं। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। औद्योगिक निष्पादन को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। सरकार ने चैंपियन सेक्टर्स की पहचान की जिनके पास वैश्विक चैंपियन बनने की, विनिर्माण में 2 अंकों की वृद्धि करने की और महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है। इन क्षेत्रों को मेक इन इंडिया संस्करण 2.0 के तहत नवीनीकृत फोकस के लिए पहचाना गया है। इनमें आपके शामिल है पूंजीगत वस्तुएं, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट, रक्षा तथा अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, चिकित्सीय उपकरण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग, चमड़ा तथा जूता, वस्त्र तथा परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, निवार निर्माण, नौपरिवहन और रेलवे। ठीक है, बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विनिवेश का तात्पर्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से अपनी अंशधारिता के बेचने या परिसमापन करने से है। ये आपका सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विनिवेश हेतु नोडल एजेंसी है। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल एक कथन आपका सही है। वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी है। याद रखना है, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विनिवेश के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसमें आपका केवल एक कथन सही था। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह दिवालियापन पेशेवरों के
ऊपर नियामकीय निगरानी रखता है, ये आपका सही है। यह लेन देन के लिए नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है, जैसे संहिता के अंतर्गत कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान, कॉरपोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत शोधन अक्षमता समाधान और व्यक्तिगत दिवाला, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दोनों कथन सही हैं। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन 1 अक्टूबर 2016 को किया गया, इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। आठवें में 1 और 2 दोनों। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तीनों सही हैं इसमें, ठीक है। क्या है, तीनों कथन सही हैं, तो इसमें आपका होगा डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों सम्मिलित हैं। बात करते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नौवहन और व्यापार से, ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें, ये आपके व्यापार समझौता है और ये विवरण है। मुक्त व्यापार समझौता, गैर सदस्यों के साथ व्यापार हेतु सदस्यों द्वारा सामान्य बाह्य विशुल्क प्रशुल्क दरों को बनाए रखना है, गलत है। साझा बाजार, सदस्य देशों के बीच उत्पादन कारकों का अपेक्षाकृत मुक्त संचलन, ये आपका सही है। सीमा शुल्क संघ, सदस्य देश समष्टि आर्थिक तथा विनिमय दर नीतियों को समन्वित करते हैं, ये आपका सही गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, बाकी आपके 1 और 3 कथन गलत है। जो आपका मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता FTA से बोलते हैं हम लोग, या एक PTA जिसमें सदस्य आपस में व्यापार पर टैरिफ कम कर रखते हैं, जबकि गैर सदस्यों के साथ व्यापार के लिए अपनी टैरिफ दरें बनाए रखते हैं। और जो आपका सीमा शुल्क संघ है, कस्टम यूनियन, एक कस्टम यूनियन एक संघ है जिसमें सदस्य और गैर सदस्यों से आयात के लिए एक सामान्य बाह्य टैरिफ अनुसूची लागू करते हैं, ठीक है। इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही था। बात करते हैं हम लोग 12वें कथन, क्वेश्चन नंबर 12। शहरी आधारभूत अवसंरचना में सुधार के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मंत्रालय परिवर्तन मिशन शुरू किया गया था, जिसे अमृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमृत परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में राज्यों को समान साझेदार बनाता है, सही है। हृदय योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहरों या नगरों को अमृत के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ये भी आपका सही है। यानी कि आपके बारे में दोनों कथन सही हैं, क्या है, दोनों कथन सही हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन की। कंपोजिशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में
से कौन सा कथन आपका सही है, देखना है आपको, सही कथन चुनना है। यह जीएसटी के तहत कर लाभ का एक वैकल्पिक उपाय है जिसे छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने और अनुपालन लागत को कम करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। सही है। इसके तहत कोई व्यक्ति टर्नओवर पर सामान्य प्रतिशत की दर पर हर महीने कर भुगतान करने की बजाय सामान्य दर तिमाही भुगतान कर सकता है। ये भी आपका सही है। यह उन निर्माताओं या व्यापारियों पर लागू होता है जिनका करयोग्य व्यवसाय या कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है। ये भी आपका सही है। यानी कि 13 में आपके तीनों कथन सही हैं। तो 13 में आपका डी ऑप्शन सही हुआ। क्या हुआ? तीनों कथन सही होंगे। बात करते हैं अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। July 1982 को RBI के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित कर इसकी स्थापना की गई थी। सही है ये कथन। ठीक है। यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये आपका गलत है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर पूछता कि सही है तो केवल आपका एक कथन सही था, लेकिन इसमें पूछ रहा है सही नहीं है तो आपका दूसरा कथन केवल इसमें होगा। नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इस दिशा में नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थितियों में सुधार करने के लिए भारत सरकार और RBI के सहयोग से की गई एक पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी को विभाजित कर दिया है। RBI द्वारा दूसरी नरसिम्हम समिति की सिफारिश का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया था। ठीक है। तो इसमें आपका 14 में केवल दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को अंडज स्तनी या मोनोट्रेम के रूप में जाना जाता है। सही है। मोनोट्रेम स्तनधारियों का आदिम रूप है क्योंकि ये जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। ये भी आपका सही है। अंडज स्तनी केवल सेसल्स और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये आपका गलत है। इसमें आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा आपका गलत है क्योंकि अंडज स्तनी मोनोट्रम केवल सेसल्स और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कहाँ है? ठीक है, इसमें तीसरा ये गलत होगा, बाकी एक और दो कथन आपके सही होंगे। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार ही करना है। कर GDP अनुपात किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व का अनुपात है। सही है। पिछले दशक में भारत के कर GDP अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है। ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन सही है। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की।
कर अधिक अधिक और कर लोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अधिक का तात्पर्य जीडीपी में परिवर्तन लाने के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेहिता से है। सही है, जब कोई कर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो कर दर में वृद्धि के बिना इसका राजस्व बढ़ जाता है। सही है, कर लोच कर दर में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करती है। ये भी आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपके तीनों कथन सही होंगे। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किन वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त रखा गया है? तो इसमें आपका जलीय भोजन है, कच्चा जूट है और मुरमुरा है। ब्रांडेड प्राकृतिक शहद नहीं है, ठीक है। एक दो और चार हैं, क्या है, एक दो चार हैं। सी ऑप्शन। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। प्रतिभूति लेन देन कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिभूति लेन देन कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एसटीटी यानी कि प्रतिभूति लेन देन कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो देश में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए कर योग्य प्रतिभूति लेन देन के मूल्य पर देय है। गलत है, एसटीटी के तहत कराधान की दरें सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए समान है। ये भी आपका गलत है, क्योंकि एसटीटी यानी कि प्रतिभूति लेन देन कर देश में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए योग्य प्रतिभूति के लेन देन मूल्य पर देय प्रत्यक्ष कर है। एसटीटी के लिए कराधान की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह प्रतिभूति एवं लेन देन के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था और ना ही दो। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर कानून में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधेयक को मंजूरी दी? केंद्रीय जीएसटी विधेयक, एकीकृत जीएसटी विधेयक, केंद्र शासित जीएसटी विधेयक, क्षतिपूर्ति विधेयक। इसमें आपके चारों होंगे, बीच में क्या हुआ, चारों होंगे। डी ऑप्शन सही हो। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। कर व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर व्यय, यह करों के संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय से संबंधित है। बिल्कुल गलत है, यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा कितना अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सकता है। ये आपका सही है, एक कथन इसका गलत है, दूसरा आपका सही है। कर व्यय, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि यह करों के संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय से संबंधित नहीं है। इसके तहत यह रियायती दरों पर कर लगाने की अवसर लागत है या करदाताओं को दी जाने वाली छूट, कटौती क्रेडिट में होने वाली चूक आदि अवसर लागतों को संदर्भित करती है। कर व्यय से संकेत मिलता है कि सरकार द्वारा इस तरह के उपायों के लिए कितना अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह देश में करदाताओं को प्राप्त अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 22। देसी पोर्टफोलियो निवेशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देसी पोर्टफोलियो के निवेशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में प्रतिभूतियों और विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से
धारण की गई अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। सही है। किसी एक निवेशक या निवेशक समूह द्वारा किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी का 10% से अधिक नहीं हो सकता है। इससे अधिक होने पर उसे FDI माना जाएगा। सही है। FPI को असूचीबद्ध शेयरों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। ये भी आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में आपके तीनों कथन सही होंगे, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की। मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश को किसी अन्य देश द्वारा विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उसे MFN का दर्जा प्रदान किया है। बिल्कुल गलत है। यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में के तहत आता है। ये भी आपका गलत है। तो सही आखिर क्या है? जब MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन शब्द देश को विशेष दर्जा दिए जाने के लिए विशेष वरीयता देने की बात करता है, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि इसे अन्य सभी के समान माना जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार देश आमतौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। यदि एक देश को व्यापार में रियायत दी जाती है, जैसे कि कम आयात शुल्क लगाना, तो सभी WTO के सदस्यों को ऐसी ही रियायत दी जानी चाहिए। इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। यह WTO के नियमों के तहत आता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन था, ना तो एक सही था और ना ही दो। बात करते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी निधि के घटक हैं? आकस्मिक निधि, परिसंपत्ति विकास निधि, मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता। 24 में आपके चारों सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल गलत है। राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय हैं। सही है। तो इसमें 25वें क्वेश्चन में आपका दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। इसका 2011 का, ठीक है, ना कि एक का। तो क्वेश्चन 25 में आपका दूसरा कथन सही होगा, ठीक है, पहला कथन गलत। तो चलिए, ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके PCS या फिर IAS दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस देखते रहेंगे। ठीक है।